जो सिलसिला है अभी शुरू करते हैं, और सभी स्टूडेंट को सबसे पहले मैं एक गुड आफ्टरनून कहना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ जैसा कोरोना वायरस चल रहा है तो सभी लोग आप सेफ होंगे, आपकी फैमिली सेफ होगी और आपके रिलेटिव भी सेफ होंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग सभी लोग घर पे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हमको सीखना है यहाँ पे, जैसे कि अपने आप को अपडेट करना है, इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपके पास मोबाइल के अंदर रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और अपना कुछ अलग से एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और रही बात जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करिए, और स्टेप बाय स्टेप सभी लोग एक 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 क्वेश्चन पहले कर लीजिए, फिर बाद में हम रिपीटेड क्वेश्चन लेंगे आपसे, ठीक है। और जिसको भी बोलना है वो अपना हाथ उठा के एक बार बोल दीजिए, अपना माइक को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन करिए। जी मिलन सर, हाँ रवि बताओ, बोलो वो सर रियलमी 2 का जो प्रॉब्लम बोले थे ना, फिर से बोलो। हाँ वो रियलमी 2 का जो लोगों का प्रॉब्लम था एक्चुअली, तो उसको मैंने बैकअप करके मैंने डम फाइल बना के उसको बाद फिर मैंने दूसरा फाइल से भी उसको फ्लैश कर दिया MMC को। वो लगाया मैंने 2-3 बार, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो फिर आपने बोला कि वो MMC खोल के फिर स्टेटस दो, तो मैंने दिया था आपको व्हाट्सएप में। देखो, मैंने MMC खोला और देखा कि 90% कंज्यूम मतलब हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड था, है ना। तो एसके ऐसी था, है ना। तो हाँ तुमने क्या क्या किए हो इसमें, डम्फल रीड किए हो, और रीड करने के बाद तुमने क्या किए हो कि प्लस फाइल चढ़ाए हो, मैं है ना। पहले इरेस इरेस करने के बाद उसके बाद DVD पार्टीशन किया, पार्टीशन करने के बाद फिर वो डम फाइल को मैंने फिर फ्लैश करके उसके बाद वो फ्लैश फाइल से फिर फ्लैश किया मैंने उसको। अब दो रीजन हो सकता है, या तुम्हारा फ्लैश फाइल सही नहीं है, नहीं तो या तुम्हारा अपडेट वर्जन फ्लैश फाइल चढ़ेगा, ठीक है ना। अपडेट वर्जन फ्लैश फाइल चढ़ेगा, नहीं तो फुल डंप चढ़ेगा यहाँ पे। जैसे फुल क्रिएटेड डंप होता है, जैसे मान लो कि मेरा जैसे एक्सक्लूसिव यूजर डाटा वाला डंप होता है, फुल डंप, वही हाँ, डंप चढ़ेगा उसमें। तो वो डम तो उससे पहले वो प्रॉब्लम कर रहा था ना, एरर आ रहा था, फुल डम फुल डंप कराने की हम कोशिश की है दो दूसरे तीन दूसरे बार। सेट से भी ले सकते थे, मतलब नेट से गूगल से भी ले सकते हैं फुल डंप, या अपडेट हाँ वाला फाइल ले सकते, दो कंडीशन है ऐसा। ठीक एक बार अपडेट फाइल मार के देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद नेट से डम फाइल देख लेता है। शिमला मुझे, मैं लिंक दे दूंगा फुल डंप, ठीक। ओके ओके थैंक पहले यू सर। इसमें चेक करो, देखिए कभी भी आपके मैंने पास फुल कोई भी ऑन मोबाइल अनलॉकिंग के लिए आता है तो एक बार जो लेटेस्ट मॉडल है, रनिंग मॉडल है, उसका जो भी एक्सक्लूड एक्सक्लूड यूजर डाटा है उसको सभी लोग एक बार रीड करके रख ले। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वो सेट आपके पास आएगा तो आप उसका डंप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, गूगल पे या फिर किसी से पूछने की, कहीं पे ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार थोड़ा सा टाइम देकर उसको रीड करके रख ले सब लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसका कैमरा नहीं खोला है, कैमरा खोल लो भाई। कैमरा भी खोल लो और अपना माइक को जो है ना क्वेश्चन करने के टाइम पे अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके क्वेश्चन करिए। FN मोबाइल हेमंद्र कैसे हो? बढ़िया हाँ अच्छा लग रहे हो। सर, हालत खराब हो गई है लॉकडाउन स्मार्ट लग रहे हो। में हाँ सबका यही सर। हाल है। देखो मिलन सर कितने स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ मिलन सर हाँ ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन का एक एक सिलसिला चालू करिए, एक एक क्वेश्चन करते जाइए स्टेप बाय क्वेश्चन ये स्टेप। था, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि आज मैंने एक OPPO A7 बनाया था, वो लोगों को अटक रहा था, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। बोलते जा बोलते लोगों पे अटका, तो मैंने उसके EMMC चेक की तो 90% कंज्यूम्ड था, ठीक। अब मेरे पास 3 केस और आए ऐसे कैसे, जिनमें वो रेड वाला एरर आता है, बूट एरर, बूट रिकवरी एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट सर्विस। हाँ तो वो एरर आता, तो वो वाला एरर अभी क्या, कस्टमर को मैं चार्ज बताता हूँ 1500 रुपये, तो वो क्या मना कर दिया अभी। तो मैं सोच रहा हूँ वो अकेला सिर्फ फॉर्मेट से हो सकता है क्या EMMC उतार कर।
पहले तो एक काम करो, पहले तो ISP कनेक्ट करके देख लो उसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ 90% तो नहीं, नहीं अभी कस्टमर ने दिया नहीं, लेकिन मैं क्या आए थे, दो सेट आए थे, वापस ले गए चार्ज ज्यादा बताने की वजह से। तो अब सोच रहा हूँ आ जाए तो मैं देख लेता हूँ 90% होगा, या फिर उसको फिर फ्लैशिंग ही करना पड़ेगा पूरा, हाँ तो फिर यही हो सकता है फ्लैशिंग ही करना पड़े उसको। हाँ तो 90% और आगे आगे और कम बताएगा क्वेश्चन पूछे। गौरव, गौरव त्रिवेदी। हेलो मिलन सर, गुड आफ्टरनून सर। कौन है, हेलो, नाम बताओ ना अपना। नाम बताइए, नाम सोनू बता के सर। क्वेश्चन पूछिए, नाम बता के क्वेश्चन पूछिए। सर मैं सोनू बोल रहा हूँ सर। अच्छा सोनू, सोनू जी सोनू, सर। बोलो सोनू। सर जैसे कि मेरे पास एक रियलमी 2 का है फोन आया है सर, इसका जो इमएमसी था वो खराब था और इमएमसी इसका कंपेटिबल हम निकाले हैं इसका एसके हाइनेस का, तो ये 2 GB RAM और 16 GB ROM का है सर। तो इसका जो है ना प्रोग्रामिंग करने के बाद सर ये फोन तो स्टार्ट हो रहा है पर वाइब्रेट कर रहा है, लोगो भी नहीं आ रहा है इसका। देखो मैंने बोला कि सबसे पहले उसमें सिर्फ फुल डंप कराओ और कुछ मत करो, तो सर कोई उसमें सा भी काम मत करो। डंप जो है ना सर, फुल डंप जब रीड किया है तो 29 GB का फुल डंप रीड हुआ है सर। एक्सक्लूसिव यूजर डाटा करके रीड करना था आपको, समझ में आ रहा है। अच्छा जैसे हमने तुम एक्सक्लूसिव यूजर डाटा, जैसे UEFI में जाने के बाद क्या होता है कि बॉक्स है तो कोई स्क्रीन कंप्यूटर में कौन कर रहा है और UEFI बॉक्स किसके पास है, अभी तो कंप्यूटर में हम ही यूज कर रहे हैं सर। तो ये अपना स्क्रीन शेयर करो, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन शेयर, स्क्रीन ग्रीन कलर का एक एरो मार्क होगा, ग्रीन कलर का नीचे देखो एरो मार्क ग्रीन कलर का, उसको क्लिक करो। हाँ सर आया तो है सर, हाँ उसको शेयर करो। शेयर कर दिए। हाँ अब ये फाइव बॉक्स खोलो। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी ऑनलाइन क्लास लाइव चल रही है जो कि MMC रिलेटेड है। देख सकते हैं यहाँ पे MMC अब जैसे कोई फोन है ना, कोई स्टूडेंट की हमें क्या करना है और यहाँ से पे यूजर डाटा क्रिएट पे काफी सारे है ना हमारे साथ जुड़े हैं और यही चीज है। अगर ऑनलाइन सपोर्ट 1 घंटे का, 1 घंटे 2 घंटे के आसपास हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे जो यूजर डाटा है ना, यूजर डाटा यहाँ पे डंप फाइल जहाँ रीड करते हैं, जंप फाइल जहाँ रीड करते हैं इस तरह, यहाँ पे जंप फाइल जहाँ रीड कर रहे हैं रीड किया जा रहा है यूजर डाटा और ऑटो प्रोग्रामिंग का लिखा है, ऑटो हो लिखा है यूजर डाटा कम आ रही होगी और ESC है और यूजर डाटा बूट टू एंड बूट टू है वहाँ पे क्लिक कर। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये MMC बैच के स्टूडेंट हमारे जो कि 10 दिन जी सर करके जाते हैं, उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे उसको एक टेस्टेड डम ऑटो में, ऑटो में, ऑटो में पे आप देख सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो हम एक्सक्लूसिव बाय यूजर डाटा, हाँ हाँ ये पे भी डालें, ये मैं आपको तो सर इसका जो एक्सक्लूसिव डाटा है सर ये तो हम पहले कर चुके हैं, तो इसका 5 GB का एटम बना हुआ है, तो इसका भी यहाँ पे मेरा फाइल है। इसको फॉर्मेट कर दो ना, इसको फैक्ट्री रिलीज कर दो, ओनली फॉर वही वाला फाइल डाले, एक्सक्लूसिव वाला भी डाले सर। हाँ ओनली एक्सक्लूसिव वाला और कुछ मत डालो ना, प्लस फाइल ना कुछ। जी हाँ हो सकता है आप लोगों को, मैं बस ऐसे ही लाइव बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा एक 5-10 मिनट लाइव बताऊंगा, अगर अच्छे से दिख रहा है तो और इसके साउंड के साथ मैं वीडियो अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द, सर ये 5 GB का बना हुआ वीडियो अपलोड करूंगा, फाइल डालना ऑनली फॉर ये फाइल डालना। देखिए काफी सारे स्टूडेंट जो बैच के हैं वो जुड़ चुके हैं यहाँ पे, तो सर अब भी फॉर्मेट सिर्फ इसको इमेंसी फैक्ट्री रीच करें केवल और ये वाला फाइल डाल दें। ठीक है जी, अपना स्क्रीन प्रॉपर प्रॉप शेयरिंग कर। आगे गौरव, गौरव त्रिवेदी कहाँ का है गुरु? हाँ अपना माइक हाँ जी सर, हाँ कैसे हो? हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया सर जी, कृपा आपकी। बढ़िया सर जी, काम काज कैसे चल रहा है? बस अभी तो वही
प्रैक्टिस चल रही है सर घर में, बाकी कोरोना का महामारी है यहाँ पे, दो तीन केस हो गए तो सबको सील कर रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? मेहंदी 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 क्वेश्चन। सुरेंद्र कुमार मिलन जी। राम राम। राम राम मिलन जी, कैसा है? बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात बात करने नहीं। हाँ मिलन जी, एक एक क्वेश्चन है अभी। एक सेट मेरा हुआ J700 का, ठीक है? अभी J700 का सेट है, इसमें 0.0 पे आके रुका पावर की दबाने पे। ऑटो रीडिंग कुछ ले रहा है क्या? नहीं है, मैं क्या किया ईएमसी को, मैं देवतन सर से पूछा ईएमसी का प्रॉब्लम, ईएमसी निकाल के रिबाइल करके फिर वापस लगाओ, प्रोग्राम सही है क्या देखो। फिर मेरी ईएमसी को निकाला, प्रोग्राम सही है, सब कुछ सही है, ईएमसी को अंदर मैं वापस लगा दिया। फिर क्या है ना, ये 0.06 में आके फिर वापस बंद हो रहा। देखो अभी देखो, पहले प्रॉब्लम क्या था, पावर की दबाते हैं 0.09 पे आके रुका, 0.09 पे आके रुक रहा है, रुक रहा है। उसके बाद ऑटो रीडिंग कुछ ले रहा था क्या? जैसे मैं नहीं कुछ नहीं ले रहा था। दूसरी बात, तुमने ईएमसी खोला, तो ईएमसी खोलने के बाद तुमने देखा कि प्रोग्रामिंग सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके। अब ईएमसी खोलने के बाद जैसे उनमें क्या आता है, डायनोक्स सीपीयू आता है, ईएमसी खोलने के बाद कोड बना रहा है क्या? चेक कर किए थे? नहीं बनाया जी, कोड नहीं बनाया। तो पावर सेक्शन का प्रॉब्लम है, पावर सेक्शन का। अच्छा, फिर पावर ऐसी निकाल के रिबाइल करना है क्या? पावर ऐसी निकाल के रिबाइल करो, नहीं तो इसको चेंज करो। ठीक है। और देखो सेकेंडरी सॉर्टिंग कहाँ पे है, क्योंकि J7 में सबसे ज्यादा डीसी टू डीसी कन्वर्टर के पास सॉर्टिंग आता है सबसे ज्यादा। अच्छा, और 570 SM5703 वो सबसे ज्यादा सॉर्टिंग आती है, उसको भी एक बार चेक कर लो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, दामोदर बोल रहा हूँ। हाँ दामोदर, नमस्ते, कैसे हो? बोलो। हाँ सर, एक BJ254 का तो ईएमसी चेक किया, लेकिन उसके बाद जो एरर आ रहा है, ईएमसी आर अनयूजेबल। BJ254 जी, कौन से मॉडल का है ये सर? Note 6 Pro का है। कंडिक कंपनी का आईसी है क्या? एक मिनट सर। हाँ सर, संडेस का क्लास के जो ऑलरेडी क्लास, इसको सारे लगा देने के बाद कम से कम 2-3 घंटा तक चलता है, लेकिन उसके बाद स्पीड डेड हो जाता है। अच्छा सर, ठीक। और एक बात सर, ये सर एक मोबाइल सर्विस टोल ZS मलिक से खरीदा था, और ये क्या प्रॉब्लम की दोनों पीछे में भी ट्राई करके देखा हूँ मैंने, वो दिखा रहा है, वो इंस्टॉलिंग तो हो जाता है, उसके बाद एरर आता है VC runtime 140.dll is missing फ्रॉम योर कंप्यूटर, ट्राई टू रीइंस्टॉलिंग द प्रोग्राम फॉर फिक्स दिस प्रॉब्लम। लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम है इसका? सबसे पहले तो कोई भी ऐप चलाओ, तो हमारा एंटीवायरस थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम लेगा, लेकिन सपोर्ट आपको जरूर करेगा। तो 2-3 बार कॉन्टेक्ट करो उसको, बहुत बिजी रहते हैं वो लोग, तो उनकी सपोर्ट टीम जो है वो जरूर सपोर्ट करेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हेलो सर। हेलो, नाम बताइए, कौन पूछ रहा है? हेलो, जरूर, कश्मीर से सर। हाँ जरूर, कहाँ है? हाँ सर, मैंने भी
सर मैंने भी ये टूल एक्टिवेट किया, मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उससे हो गया सर काम चालू। अच्छा थोड़ा एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर दीजिए, शेयर कर दो, शेयर कर दो। सर एक मिनट, देखो दामोदर इसने एक सॉफ्टवेयर डाला है, वो सॉफ्टवेयर आप भी इंस्टॉल कर लो, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ सर मेरे को भी वही प्रॉब्लम आ रहा था सर पहले। बता बता दो जाहूर, बता दो कौन सा क्या प्रॉब्लम है सर। उसमें वही उसने बताया ना सर, उसमें वही प्रॉब्लम मेरे भी आ रहा है सर। एक मिनट में मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या आ रहा था। प्रॉब्लम क्या सलूशन हुआ वो बता दो। हाँ सर वो भी बताऊँ प्रॉब्लम सर ये है, दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी स्टार्ट बी वीसी रन डायम 140 DLL इज मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर। यही प्रॉब्लम सर। हाँ सर मुझे भी सर ये आया दोनों सिस्टमों में, मैंने सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड किया सर उससे हो गया सर। कौन सा सॉफ्टवेयर बोल दो। OMST सर, एक मिनट सर मैं दिखाऊंगा कौन सा सॉफ्टवेयर। छोटू कुमार ने पूछा है सर क्लास ओपन कब होगा। देखिए जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा जब क्लास ओपन होगा फिर बताएंगे आपको, अपडेट करेंगे यूट्यूब और फेसबुक पे। जी सर जो हमारे हॉस्टल में बैठे हुए चार पांच जन स्टूडेंट ग्रुप में डाले सर। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट सर ग्रुप में तो सबके डाले हैं, अब वो देख लेने तो ऐड हो जाएंगे।